So let us wait for one more minute and then we will start the lecture. यस, एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपका आज वेबिनार है 5:30 पे, मैंने ग्रुप में डाल भी दिया है, सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है. इट विल बी हेड सर विल बी एड्रेसिंग यू फॉर मेनली फॉर द पर्पस ऑफ कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स. सो उसको अटेंड करना है सभी ने. सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर. ये क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. क्वेश्चन अभी इसके सॉल्यूशन पर हम गए नहीं थे. पता नहीं यार, मेरे को आपके ऊपर है कि 5:10 to 6 अगर आपकी क्लास है तो मैं चलो आपको फिर भी बता दूंगा Before 5:10 के पूछकर बता दूंगा हेड सर से, ठीक है, कि क्या होगा उस क्लास की. क्लास आपकी क्लास है या ट्यूट है वो मेरे को मालूम नहीं, ठीक है, जो भी है, लेकिन मैं हेड सर से पूछ के बताऊंगा. ओके, मैं बता दूंगा, ट्यूट है, कोई इशू. सो लेट अस स्टार्ट. ये न्यूमेरिकल है भाई, तो शायद ये भी पुराना गेट का क्वेश्चन ही है. तो इसमें मैंने क्वेश्चन की, देखो स्टेटमेंट काफी लेंथी है, देखोगे आप कि इतनी स्टेटमेंट है और देखने में मुश्किल है लेकिन है नहीं. तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था कि अभी हम पहले डिफरेंस देखेंगे नेसेसरी. यहां पर लिखा हुआ है नेसेसरी कंडीशन टू गारंटी दैट सिस्टम इज नॉट अप्रोचिंग अ डेडलॉक. अब इस नेसेसरी का मतलब क्या है, ठीक है. अब इसका मतलब है कि आपके पास जो स्टेट है आपकी अभी, उसके बाद कोई ना कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता हो, उसके बाद के हो या नहीं ये नहीं हमें पता. यहां पर लिखा हुआ ना टू गारंटी द सिस्टम इज नॉट अप्रोचिंग अ डेडलॉक, मतलब उसके बाद एक तो प्रोसेस और चलना ही चाहिए. ऐसा नहीं कि चाहे उसके बाद के चले या ना चले वो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन उस स्टेट के बाद कम से कम एक तो चलना ही चाहिए. जिसको अभी नेसेसरी कंडीशन का पता नहीं चला, लेट अस सपोज हमने ये वाला न्यूमेरिकल किया था, ठीक है, रिक्वेस्ट वन कैन नॉट बी परमिटेड, लेकिन इस केस में P1 आपका चला था. तो मतलब कि जब अब करंट सिस्टम क्या है सेफ स्टेट में, इसके बाद अगर ये वाली रिक्वेस्ट आ गई तो इस रिक्वेस्ट के लिए P1 तो चला था ना, तो मतलब सिस्टम इज नॉट अप्रोचिंग अ डेडलॉक एट दैट स्टेट, ठीक है. तो यही हमने यहां पर बताना है. एनी डाउट यहां तक? अभी बाकी हम न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट करते हैं उसके बाद. और सफिशियंट कंडीशन क्या होती है? सफिशियंट कंडीशन होगी, देखो एक नेसेसरी कंडीशन है, एक सफिशिएंट. सफिशिएंट कंडीशन क्या है आपके पास? सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा, लेट अस सपोज P1 P2 P3, ठीक है, अभी इनके पास और हर प्रोसेस को 3 इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, तो क्या ये अवेलेबल रिसोर्सेज और कितने हैं? 0. क्या ये आप गारंटी कर सकते हो कि डेडलॉक नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि P2 तो एग्जीक्यूट हो जाएगा कुछ टाइम बाद, उसके बाद इनको एलोकेट हो जाएंगे. तो यहां पर ये इस केस में हम सफिशिएंट कंडीशन को ट्रू कर रहे हैं, लेकिन इस केस में हमें यही बताना है
क्या उसके नेक्स्ट वाला कोई ना कोई एक प्रोसेस चल पाएगा या नहीं। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट की बोला है ना, यहां पर देखो, इज नॉट अप्रोचिंग अ डेडलॉक, अप्रोचिंग वर्ड लिखा है इसमें। क्लियर? इसमें क्या लिखा है? अप्रोचिंग वर्ड लिखा है। अगर यहां पे अप्रोचिंग नहीं लिखा होता तो आपका क्वेश्चन वैलिड था। ठीक है, अगर यहां पे लिखा होता कि गारंटी दैट द सिस्टम विल नॉट बी इन अ डेडलॉक तो आपका क्वेश्चन वैलिड था। सफिशिएंट कंडीशन है गारंटी वाली कि डेडलॉक नहीं होगा। लेट अस सपोज, जैसे आपको ये वाले न्यूमेरिकल्स करवाए थे, डेडलॉक कभी भी नेवर अराइज, तो यहां पर कितने रिसोर्सिस हैं? अगर 7 रिसोर्सिस हैं तो आपके पास ये सफिशियंट कंडीशन होगी कि डेडलॉक कभी भी अराइज नहीं। क्लियर? मान लो अभी आपके पास 6 रिसोर्सिस होते तो डेडलॉक कैन अराइज, फिर वो सफिशियंट कंडीशन नहीं होनी थी। क्लियर? अब इसको ध्यान में रखकर आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। आंसर तो मैंने दे दिया है, लेकिन कैसे आया ये आपने अभी देखना है। ठीक है, नेक्स्ट 5 मिनट्स में, अभी मेरे पास जो सिस्टम टाइम शो कर रहा है वो 4:31 कर रहा है, 4:36 पे मैं इसका आंसर डिस्कस करूंगा। आप उतनी देर में इसको खुद सॉल्व करके देखो। देखो, स्टेटमेंट को क्लियरली रीड करना आना चाहिए। अगर एग्जाम में आपको यही बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, तो जैसे भी आए, चलो इस बार तो कंडीशन है कि ये डेडलॉक आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको चैप्टर 5 तक ही आ रहा है एमएसटी में, तो इसको आपको, लेकिन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट चाहे जैसे मर्जी लेंथी हो, आपको रीड करके है तो फिर वो बेसिक्स की बात ही आ जाती है, उसको आपको ध्यान में रख के करना पड़ेगा। ठीक है, 4:36 पे अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा, उतनी देर में आप इसको खुद सॉल्व करके देखो, फिर आंसर मैच करना। क्वेश्चन समझने में किसी को कोई डाउट आ रहा हो वो पूछ सकता है। इसको अभी एनालाइज करना पड़ेगा जशन सर। अगर बी में इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वाई के, यस, फिर तो वो होनी थी, फिर वो सफिशिएंट कंडीशन होनी थी। बिल्कुल सही। फिर तो आपके एक तरीके से आपकी गारंटी हो जाती कि
वो प्रोसेस आगे डेडलॉक कभी भी होना ही नहीं था। यस, किस किसने ये इसका आंसर सॉल्व कर लिया है? वैसे आंसर तो लिखा हुआ है, लेकिन इस आंसर को देखकर अपने थॉट प्रोसेस को मत चलाना। आप बिल्कुल इस आंसर से इंडिपेंडेंट होकर अपना थॉट प्रोसेस करो इस क्वेश्चन के लिए। किस किस का आ गया है? यस, सो जो भी सर हैं जिनको आपका ट्यूटोरियल है, तो ऊपर से मैसेज आया है प्रोफेसर अजय कुमार जी का कि वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस में, तो उन्होंने बोला है कि आप जो भी ट्यूटोरियल टीचर है उनको मेल शो करके उनसे आज की फ्रॉम 5:30 to 6 की रिक्वेस्ट कर लो कि हमने वेबिनार लगाना है। ठीक है, सो इसमें अभी आपके पास क्या था क्वेश्चन में, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्नैपशॉट ऑफ अ सिस्टम रनिंग एन प्रोसेसेस। एन प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस आई इज होल्डिंग एक्स आई इंस्टेंस ऑफ आर, मतलब एक्स वन फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड ने एक्स टू होल्ड किया है, थर्ड ने एक्स थ्री एंड अप टू एक्स एन इसने होल्ड किए हुए हैं। फर्दर फॉर ऑल आई, प्रोसेस आई has placed a request for additional yi instances while holding xi instances। यहाँ पे एक बात नोट करनी है कि सिर्फ एक ही रिसोर्स की बात कर रही है, कर रहे हैं instances of a resource r। तो उसके पास xi तो पहले से ही है, ठीक है, xi पहले से ही है, और वो additional yi instances की रिक्वायरमेंट कर रहा है, मतलब इसको अभी रिक्वायरमेंट किसकी है, y1 की, इसको किसकी है y2 की, इसको किसकी है y3 की, एंड अप टू y, ठीक है। लेकिन इसमें से दो प्रोसेसेस ऐसे हैं p एंड q, मतलब अगर यहां पे मैं बात करूं xp और यहां पे xq, ठीक है, दो प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसकी ये डिमांड कितनी है, जीरो। yp और yq इज इक्वल टू जीरो, मतलब इनकी कोई और डिमांड नहीं है। फिर कुछ देर बाद ये वाले प्रोसेस क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट, और xp और प्लस xq कहां आ जाएंगे, अवेलेबल, ठीक है, ये दोनों प्रोसेस कहां आ जाएंगे, अवेलेबल। तो अवेलेबल आपका xp प्लस xq है, और अब आपको कम से कम एक प्रोसेस अगर आपने और एग्जीक्यूट करवाना है तो आपको ये होना चाहिए कि xp प्लस xq एट लीस्ट शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू, जो भी मिनिमम कोई भी इनमें से एक प्रोसेस हो जो कि मिनिमम उसके उससे ज्यादा चाहिए। क्लियर, तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा, बी। अब इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, मुझे मालूम है कि डाउट तो होंगे इसमें, तो वन बाय वन मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। यस, एनी डाउट? नो डाउट? ओके, हाँ जी, ये क्लियर हुआ या नहीं? देखो, हमने जो पुराने क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था कि ये वाले xp और xq अवेलेबल में आ गए, क्योंकि ये p प्रोसेस और q प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे क्योंकि इसको और किसी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं। तो अब ये दोनों का जो सम होगा वो कम से कम इनमें से एक से इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, तो भी आप उसकी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकोगे। तो ये क्या होगी, आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है, या नेसेसरी
कंडीशन की कम से कम एक प्रोसेस तो और चले। अब जैसे जशन ने बताया था कि यहां पर अगर मैक्सिमम हो, अगर मैं यहां पे मैक्सिमम लिख देता हूं तो क्या वो मेरी सफिशिएंट कंडीशन है या नहीं। सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा कि आपके सारे के सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होने चाहिए, फिर कोई डेडलॉक नहीं होना चाहिए। देखो अगर ये xp प्लस एक्स क्यू मैक्सिमम से ज्यादा है तो आपने मान लो पहले मैक्सिमम वाले किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लिया, कोई भी प्रोसेस, तो उसके प्रोसेस भी जो उसके पास रिसोर्सेज हैं वो भी इसमें एड ऑन होंगे। तो ये हमेशा उसकी रिक्वेस्ट से जो भी y1 y2 y3 देखो इसकी मैक्सिमम से ये ज्यादा है तो मतलब क्या है, हमेशा हर बार जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा उसने अपने एलोकेटेड रिसोर्सेज को अवेलेबल पूल में ऐड करना है। तो मान लो सबसे पहले आपका y1 हो गया तो xp प्लस xq प्लस x1 अवेलेबल बन जाएगा। तो जब xp प्लस xq ही मैक्सिमम से ज्यादा था तो x1 अगर प्लस करोगे तो ये तो उससे ज्यादा होगा, तो बिल्कुल आप उस कंडीशन में कह सकते थे कि ये सफिशिएंट कंडीशन है। हाँ जी, एनी डाउट? यस, एनी डाउट? तो अगर कोई डाउट नहीं है फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको बड़ा इजीली आपको करना चाहिए। नेक्स्ट 5 मिनट्स में ये वाला न्यूमेरिकल करो। यस, कर लिया भी सभी का? हो गया? चैट में यस या नो लिखो। अगर तो ये हो गया है तो बताओ मुझे, वरना मैं करवा देता हूं। यस अभिषेक वर्मा, डाउट है कोई? वन एट ए टाइम का मतलब देखो यहां पर क्या लिखा है, एक प्रोसेस जो भी एग्जीक्यूट होगा तो एक बार में एक ही प्रोसेस के रिसोर्स आपके छोड़े जा सकते हैं, ठीक है, वो बोला है। और शेयर m आइडेंटिकल रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या है कि m आइडेंटिकल रिसोर्सेज हैं लेकिन एक प्रोसेस एक को ही एट ए टाइम ऑक्यूपाई कर सकता है, एक इंस्टेंस को,
ठीक है। रिजर्व्ड एंड रिलीज्ड, रिजर्व्ड क्या होते हैं होल्ड, रिलीज्ड क्या होते हैं उसने रिलीज कर दिए। अब लेट अस सपोज इसका मतलब क्या है, आपने एम आइडेंटिकल रिसोर्सिस की बात की, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सिस कितने हैं एम। अब ये किस टाइप के हैं, एम यूनिट्स ऑफ अ सिंगल रिसोर्स, शेयर्ड एम आइडेंटिकल रिसोर्स यूनिट्स हैं, मतलब एम टेप ड्राइव्स, ठीक है। अब ये एम टेप ड्राइव्स तो हैं, एम की वैल्यू सपोज करो 10 है, तो मैं बोल दूं कि 10 टेप ड्राइव्स हैं, लेकिन एक प्रोसेस एट ए टाइम सिर्फ एक को ही ले सकता है, ठीक है। मतलब कि 10 टेप ड्राइव्स का मतलब क्या है, अगर ये 10 क्या है इंडिविजुअल अलग अलग यूनिट्स हैं, ऐसा नहीं होगा कि P1 और P2 एट ए टाइम, पी ये वाला इसको भी ले रहा है और P1 को भी इसका है R1 जो इंस्टेंस होगा, ठीक है। तो मतलब ये शेयर एक ही टाइम पर एक ही प्रोसेस करेगा और रिलीज भी उस रिसोर्स को एट ए टाइम वही प्रोसेस कर पाए, क्लियर। अगर आप सिंपल ये वाला क्वेश्चन लेते हो, वो लाइन उन्होंने लिख दी, ठीक है, अगर सिंपल यही क्वेश्चन है आपके पास, के वहां पर किसको शेयर कर रहे हो आप, एक रिसोर्स इंस्टेंस को, वो एट अ टाइम एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस या तो उसको क्या करेगा ऑक्यूपाई करेगा या उसको रिलीज करेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि एट ए टाइम उस रिसोर्स को, रिसोर्स इंस्टेंस को एक टाइम पर दो प्रोसेस ने कर लिया, मतलब कि ये शेयर्ड रिसोर्स नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या बोल रहा है कि ये शेयर्ड रिसोर्स नहीं है, क्लियर। एक रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, लेकिन हर इंस्टेंस उसका शेयर्ड रिसोर्स इंस्टेंस नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके ये न्यूमेरिकल्स थे। तो अब इसको आपने सॉल्व करना है, क्या अभी भी डाउट है? चलो मैं आपको अनम्यूट की ऑप्शन देता हूं, जिसने डाउट है वो मेरे से पूछ सकता है। यस, किसको डाउट है वो पूछ लो, इसमें क्या क्लियर नहीं हुआ। क्वेश्चन तो क्लियर है, आंसर में m प्लस n कैसे आ गया ये नहीं समझ लगी, सिर्फ n ही आना चाहिए। वो मैं बता देता हूं, अब यहां पे देखो आपके पास नंबर ऑफ, सॉरी मैंने सिलेक्ट नहीं किया इसमें, मान लो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं 3, क्लियर। और अब इसको इसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी कि आपके पास डेडलॉक ना हो, ठीक है, कि आपके पास डेडलॉक ना हो। अब उसकी नीड कितनी है SI, तो मान लो आप कैसे करते थे ऐसे क्वेश्चन, SI-1 इसको कितनी रिक्वायरमेंट है, SI-1 इसको कितनी रिक्वायरमेंट है, SI-1। मान लो पहले अभी मैं 3 प्रोसेसेस के लिए इसका बता रहा हूं, ठीक है,
अब जो भी ये कंडीशन है, ठीक है, अब नॉर्मली आप क्या करते हो कि ये इट शुड बी, यहां पर क्या लिखूंगा, थ्री। किससे कम है ये, टोटल कितने हैं बोलो, टोटल कितने हैं ये, देखो यहां पर क्या है, SI माइनस M, SI माइनस, सॉरी SI माइनस वन, SI माइनस वन, SI माइनस वन, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा, एनीबडी, इस साइड पर क्या लिखूंगा मैं, M, क्लियर है या नहीं सर, SI माइनस वन क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे यार सॉल्व करते थे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे। अच्छा, इसकी सफिशिएंट कंडीशंस क्या हो सकती हैं, क्या अकेली सेवन है इसकी सफिशिएंट कंडीशन, अगर मैं एट कर दूं यहां, क्या वो सफिशिएंट कंडीशन होगी या नहीं, यस या नो में आंसर बताओ। यस सर होगी, यस सर होगी ना, ये क्लियर है ना अब, ठीक है। तो यहां पर अब इस केस की अगर मैं बात करूं, अब यहां पर इस क्वेश्चन को एनालाइज करके देखो, SI माइनस वन क्या है आपकी, वर्स्ट केस आप बना रहे हो, और उसको अगर ये मैंने यहां पर ये लिख दिया, ठीक है, कि इससे ज्यादा एक वन हो तो भी होगी, लेकिन वन से ज्यादा भी हो सकता है ये, ठीक है, वो उसमें मैंने उसको इसलिए सीधा एम लिख दिया। अब यहां पर ये क्या है, SI माइनस वन, तो यहां पर टोटल अगर इसकी जो कंडीशन है ये ऐसे है अभी, टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो ये क्या हो बन जाएगा आपका, SI फ्रॉम I इक्वल्स टू वन टू थ्री शुड बी लेस देन M प्लस थ्री, थ्री क्या है आपका, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो यहां पर थ्री की जगह पर आप N भी लिख सकते हो, क्लियर है या नहीं, हाँ जी, किसको नहीं क्लियर हुआ वो चैट में या अनम्यूट होके बोल सकता है। देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, अब इसमें क्या है, आपको मैथमेटिकल आइडेंटिटीज दे दी गई हैं जिससे कंफ्यूजन हो जाती है। लेट अस सपोज मैं ये बोलता हूं P1 P2, P3, P4 and PN। अब वर्स्ट केस वाला वो सिनेरियो हम करते हैं ना, उसमें तो हर प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं, SI, इसको S1, इसको S2, इसको S3, इसको S4 एंड इसको SN। वर्स्ट केस कब होगा, जब सबको जितने उसको चाहिए उससे एक कम आपने दे दिए, ठीक है, तो ये अगर इक्वल्स टू एम हो तो क्या होगा, तो क्या डेडलॉक हो सकता है या नहीं, यस एनीबडी, तो डेडलॉक होगा या नहीं, यस सर होगा ना, बिल्कुल सिंपल, जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन ही डेडलॉक में किया था, जो फर्स्ट डे करवाया था, वो इसी चीज को बोल रहा था, तो इसीलिए ये हमेशा अगर डेडलॉक, ये वाली चीज इससे हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए, ये क्या है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, तो अगर आप इसको करोगे तो ये माइनस वन होता जाएगा एन तक, तो ये कैसे बन जाएगा आपका एक्सप्रेशन, आई इक्वल्स टू वन टू एन एस आई प्लस
यहां पर अगर या तो यहां पे लिख लो माइनस वन, ठीक है, वरना इसके बाहर अगर आप सीधा करोगे तो माइनस एन बन जाएगा, ये इसके बाहर है ऐसे, तो इसको अगर आप अब करोगे एन इस साइड पर ले जाओ, क्लियर। अगर किसी ऑप्शन में ऐसा दिया होता तो वो आंसर गलत होता, ठीक है, वो सफिशिएंट कंडीशन होती या नहीं होती वो हम नहीं बता सकते थे, लेकिन इस केस में ये सफिशिएंट कंडीशन है। सर अगर प्लस वन भी दिया होता देन इक्वल, हाँ प्लस वन आता, वो तो सफिशिएंट में होता ही, बिल्कुल सही है, प्लस वन भी दिया होता फिर तो वो सफिशिएंट कंडीशन है ही है, ठीक है। अब आपको ये दे दिया एम प्लस एन और यहां पर आपको उसने बाद में दे दिया प्लस वन, तो वो भी सफिशिएंट कंडीशन है, प्लस एट कर दिया वो भी सफिशिएंट कंडीशन है, क्लियर। सफिशिएंट का मतलब कि ये सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं जिससे डेडलॉक कभी होगा नहीं, क्लियर है ये? यस सर, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट डेडलॉक, तो ये हमारा डेडलॉक टॉपिक खत्म हो चुका है। एमएसटी में नहीं है तो इसको ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ईएसटी में तो पक्का इससे बैंकर्स या डेडलॉक डिटेक्शन के ऊपर एक लेंथी क्वेश्चन आता ही आता है, क्लियर। तो इट्स बेटर कि आप प्रैक्टिस अभी कर लो। क्यूज के बारे में भव्या अभी डेट डिसाइडेड नहीं है, लेकिन अभी आप 95-99% यही मान के चलो कि एमएसटी के बाद होंगे, क्योंकि लीड स्टूडेंट्स के पेपर है, ठीक है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, फ्राइडे तक की वेट कर लो, अगर फ्राइडे तक कोई आपको मैसेज आ जाता है फिर वो होंगे नेक्स्ट वीक में, वरना नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेमोरी मैनेजमेंट। अब ये जो मेमोरी मैनेजमेंट है उसमें हम बेसिकली करेंगे क्या, ठीक है, तो उसमें हमने करना क्या है, अब मेमोरी मैनेजमेंट की जब भी बात होगी आपके पास, हम इस में यस मेमोरी मैनेजमेंट में हमारे पास क्या है कि हम जब भी अब मेमोरी मैनेजमेंट की बात करेंगे तो जब हम मेमोरी बोलेंगे बाय डिफॉल्ट से उसका मतलब है मेन मेमोरी। सेकंड कि हमने इसमें करना क्या है, हमारे पास इसमें मेन मेमोरी है, फिर वर्चुअल मेमोरी करेंगे हम, ठीक है, कॉन्सेप्ट, और एक डिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट करेंगे। सो अब हमारा इसके ऊपर जाएगा, अब इसमें हम देखेंगे कि लॉजिकल एड्रेस क्या है, फिजिकल एड्रेस क्या है, और आपका क्या कहते हैं पेजिंग टेक्निक्स क्या है, सेगमेंटेशन टेक्निक्स क्या है, उन सब के बारे में, ठीक है। तो ये आपके पास होंगे जो अभी हम करेंगे। अभी इसको इससे जाने से पहले हम, क्योंकि इसमें भी काफी न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको, तो अगेन अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग शायद फर्स्ट लेक्चर ऑफ ओएस में मैंने करवाया था ये, हाँ जी, इसका आंसर क्या था, अगर हर एक बिट पे वन बाइट ऑफ मेमोरी कैन बी स्टोर्ड, तो इसका आंसर क्या था, नहीं
यस एनीबडी नहीं टू रेज टू पावर 32 आपके पास जो प्रोसेसर है वो कितने सपोर्ट करता है 32 बिट ठीक है 32 बिट मीन्स एक बार में वो 32 एड्रेस को 2 रेज टू पावर 32 एड्रेसेस को करता है 32 बिट का मतलब क्या है अगर मैं बोलूं देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम इसकी बात ही करेंगे अगर मैं रिपीट कर रहा हूं आपका सिस्टम 2 बिट है कितने एड्रेस वो सपोर्ट कर लेगा 00011011 मतलब 4 3 बिट है तो 8 तो मतलब कितना 2 रेज टू पावर 3 2 रेज टू पावर 2 एंड सो ऑन तो इस केस में कितना था 32 बिट तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होंगे 2 रेज टू पावर 32 दैट मींस 4 * 2 रेज टू पावर 30 2 रेज टू पावर 30 मींस गीगा 4 इज 4 गीगा ऑफ एड्रेसेस हर एक एड्रेस पे 1 बाइट ऑफ मेमोरी हमने क्वेश्चन में मेंशन किया था ये सपोर्ट कर सकता है तो टोटल रैम कितनी सपोर्ट करेगा 4 गीगाबाइट क्लियर दोबारा वैसे इसको हमने स्टार्टिंग में लेक्चर में वो बताया था कि आपको मैं बोलूं कि पहली बात कि ये कॉलोनी है और इसके 4 एड्रेसेस हैं ठीक है ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 वैसी इन नॉर्मल लेमन लैंग्वेज हर प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड का है ठीक है तो यहां पर आपके पास कितना कितनी टोटल स्पेस है 200 इंटू 4 कितने बनेंगे 800 स्क्वायर यार्ड अब ध्यान से सुनना अब अगर 32 बिट है तो आपके पास कितने एड्रेसेस हैं टू रेज टू पावर 32 वो क्यों अगर 1 बिट है तो कितने एड्रेसेस हैं आपके पॉसिबल हैं एक तो 0 एक 1 तो मतलब 2 एड्रेसेस ठीक है अगर 1 बिट है तो 2 एड्रेसेस हैं अगर 2 बिट है तो 4 एड्रेसेस हैं अगर 3 बिट है तो 8 एड्रेसेस हैं अगर 32 बिट है तो 2 रेज टू पावर 32 एड्रेसेस क्लियर अब हर एड्रेस पे कितनी मेमोरी स्टोर की जा सकती है 1 बाइट की तो टोटल कितनी स्पेस आप सपोर्ट कर सकते हो 2 रेज टू पावर 32 * 1 बाइट 2 रेज टू पावर 32 कितना होगा 4 * 2 रेज टू पावर 30 दैट मींस गीगा एंड 1 बाइट मींस तो आंसर विल बी 4 गीगा बाइट क्लियर है ये एनी डाउट तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हमारा ये स्टार्ट होगा वैसे तो मैं इसी लेक्चर से स्टार्ट करना चाहता था आज स्ट्रेंथ काफी कम है तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से ये स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में हम अराउंड 10-15 स्लाइड्स इसकी कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो अभी टाइम बचा है कि नहीं टाइम इज अभी 5 मिनट्स पड़े हैं इसको स्टार्ट कर ही देते हैं तो ये हमारा होगा अब इसमें देखो अलग अलग चीजें हैं स्वैपिंग कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन सेगमेंटेशन पेजिंग स्ट्रक्चर ऑफ पेज टेबल तो पेजिंग तक का हमारे सिलेबस में है पेजिंग की टाइप्स भी होंगी ये तीनों शायद हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम अभी 1 by 1 करेंगे अब देखो मेन मेमोरी है तो बेसिक बात हम रैम की बात कर रहे हैं प्रोग्राम मस्ट बी ब्रॉट
from disk into memory and placed within a process for it to be run. अब प्रोग्राम है कोई आपका, वो सीधा हार्ड डिस्क से तो चलता नहीं, पहले वो मेन मेमोरी में लेकर आना पड़ता है, ठीक है. मेन मेमोरी एंड रजिस्टर्स आर द ओनली स्टोरेज सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली. अब मेन मेमोरी में बीच में ही इसका वो कैशे मेमोरी है, तो कैशे और रजिस्टर्स को ही डायरेक्ट सीपीयू एक्सेस करता है. मेमोरी यूनिट ओनली सीज अ स्ट्रीम of addresses plus read request or address plus data write request. देखो इसमें क्या है कि memory unit को तो addresses में वो बात करेगा, ठीक है, या तो address पे कुछ लिखना है या उसको read करना है. Register access in one CPU clock or less. देखो register access तो सबसे, register तो सबसे नजदीक है CPU के, तो उसको access करना सबसे कम टाइम में एक्सेस कर सकते हो. मेन मेमोरी कैन टेक मेनी साइकल्स कॉजिंग अ स्टॉल. मेन मेमोरी को रीड करने के लिए कई बार एक से ज्यादा सीपीयू साइकल्स लगते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी स्टॉल. कैशे सिट्स बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू रजिस्टर्स. ये तो आपने मेमोरी हायरार्की में भी वो डायग्राम में पढ़ा होगा कि कैशे रजिस्टर्स और सीपीयू, सॉरी कैशे सीपीयू के रजिस्टर्स और मेन मेमोरी में होती है, ठीक है. प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू एंश्योर करेक्ट ऑपरेशन. कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए कि कहीं एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की जो एलोकेटेड मेमोरी है उसमें इंटरफेयर तो नहीं कर रहा, तो ये हमें प्रोटेक्शन में चाहिए हो. क्लियर. अब यहां पर देखो, अ पेयर ऑफ बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स डिफाइन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस. अब पहले बात हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या है और फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या है. अब देखो, लेट अस सपोज ये मेरी रैम है, यहां पर रैम में क्या होंगे, एड्रेसेस, ठीक है. रैम में अपने अपने एड्रेसेस होंगे, जो कोई भी हेक्साडेसिमल, मान लो पहले आपका ये एड्रेस है ये 1240. अब मेरा कोई प्रो इंस्ट्रक्शन यहाँ इस एड्रेस पे पड़ी है, तो अब ये वाली इंस्ट्रक्शन को मैं क्या बोलूंगा, ये इसकी एक्चुअल एड्रेस है जो रैम में है, तो मतलब ये इसका फिजिकल एड्रेस है. एक होता है आपका वर्चुअल एड्रेस. वर्चुअल एड्रेस मीन्स एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू इज नोन एज वर्चुअल एड्रेस. एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू इज नोन एज वर्चुअल एड्रेस. तो अब आपने, आपकी असाइनमेंट है कि आपने देखो, फिजिकल एड्रेस जब हमारे पास एक्चुअल एड्रेस है तो हमें वर्चुअल एड्रेस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि ये अभी ऐसे तो यहां पर लिखा हुआ आया था कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस. तो हम ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या है आगे जाके हमें ये भी पता करना पड़ेगा, पढ़ेंगे भी वर्चुअल एड्रेस को भी पढ़ेंगे, फिजिकल एड्रेस को भी पढ़ेंगे. लेकिन वर्चुअल एड्रेस की नीड क्या है आपको वो मालूम करना है. वर्चुअल एड्रेस कौन सा होगा, जो सीपीयू जनरेट करेगा. फिजिकल एड्रेस कौन सा होगा, जो एक्चुअल एड्रेस ऑफ प्रोग्राम बोलो या उस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन का होगा, ठीक है. तो ये आपने नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड करके आना है. तो ये तो इसको, लेकिन हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल एड्रेस स्पेस और उसको इसके बाद, ठीक है. सो आई थिंक टाइम इज ऑल्सो ओवर, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर भी लगाना जरूरी है. उसमें मैं पूरा मेमोरी मैनेजमेंट का आपका ये जो है टॉपिक उसका बेस बना दूंगा, फिर आफ्टर एमएसटी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है. तो ये सारी चीजें हम विद प्रो, अगर हो सके तो विद प्रोग्राम्स करेंगे कि ये सारी डायग्राम है क्या. फर्स्ट ईयर में भी ये थी, तो आपको इसको और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी है, तो विद थ्रू प्रोग्रामिंग हम इसको करने की कोशिश करेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर लगाना जरूर है.